अपना मांग बताइए। अरे कल रेलवे परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के सवाल पर विद्यार्थी ने पटना में आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन के दरमियान में बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आज के दिन समस्तीपुर में SFI के द्वारा RRB और NTPC के लिए निकाला गया मोर्चा। आपको बताते चले कि कल के दिन पटना में RRB NTPC रिजल्ट को लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर बवाल, करना पड़ा लाठीचार्ज, कई ट्रेनें रद्द। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मधुबन से रविंदर शर्मा, केवट गामा से नीतीश कुमार, कुंज भवन से चंचल और मदन मोहन कुमार ने कुछ रुपए डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपना इच्छा अनुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पटना में RRB NTPC स्नातक स्तरीय CBT 1 की रिजल्ट जारी होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोमवार को दोपहर बाद अचानक सैकड़ों अभ्यर्थी राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए और राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर पटरी रख दिया। कई छात्र ट्रैक पर ही लेट गए, एक मालगाड़ी को रोक दिया गया। इससे दीनदयाल उपाध्याय और मोकामा से आने वाली ट्रेन जहां तहां खड़ी हो गई। दरअसल ये छात्र रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बदलाव की मांग कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए पटना DM चंद्रशेखर सिंह और SSP राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र किसी की बात सुनने की राजी नहीं हुए और हंगामा करते रहो तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दानापुर रेल मंडल के DRF प्रभात कुमार ने बताया कि ट्रेनों को रद्द होने से रेल राजस्व की भारी नुकसान हुआ है, यात्री प्रभावित हुए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो बदलाव किया गया है वो सही नहीं है। छात्रों ने कहा है कि फरवरी 2019 में उन्होंने फॉर्म भरा था, रेलवे की तरफ से दिसंबर 2019 में परीक्षा लेने की बात भी कही गई थी, लेकिन तय समय पर परीक्षा नहीं हुई। तब डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2021 में आश्वासन दिया था कि CBT की परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। वही अब अचानक रेलवे ने सोमवार को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा एक नहीं बल्कि दो एग्जाम के तहत ली जाएगी। छात्रों ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में नहीं है। उनका कहना है कि छात्र एक परीक्षा की तैयारी कर ही रहे थे। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जाम में पहले से ही देरी हो गई और अब ऐसे में दो परीक्षा आयोजित होने से दो तीन साल और लग जाएंगे। आइए जानते हैं SFI के द्वारा क्या मांग की गई है समस्तीपुर में। आप लोग जो रोड पे उतरे हुए हैं आक्रोशित होके, क्या कारण है? पटना के अंदर में जो छात्र लोग परीक्षा दिए थे जिसका रिजल्ट सरकार जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण छात्र आंदोलन कर रहा था, संघर्ष कर रहा था और संघर्ष करते हुए छात्र के ऊपर कल के भी पटना के अंदर में लाठीचार्ज किया गया है। दर्जनों छात्र घायल है, दर्जनों छात्र को अरेस्ट किया गया है। ये सरकार नौजवान विरोधी है, ये सरकार रोजगार विरोधी है, इसलिए ये सरकार के खिलाफ में उस विद्यार्थी के मांग के सपोर्ट में आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और SFI पूरे जिले के अंदर में प्रतिरोध मार्च निकाला है। अगर इस आंदोलन के बाद सरकार नहीं मानती है तो आगे आप लोग का कदम क्या उठाया जाएगा? तो पूरे बिहार के अंदर में और देश के अंदर में भारत की जनवादी नौजवान सभा और SFI आंदोलन को बुलंद करेगा और इस सरकार को झुका के रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, SFI DYFI जिंदाबाद, लाठी गोली की सरकार। अच्छा सर, आप बताइएगा कि ये जो नया नियम लगा रहे हैं सर ऊपर की सरकार, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्ण रूप से जो राज्य और देश का सरकार है, नौजवानों के पक्ष में जिनका कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, या चाहते हैं कि नौजवान बेरोजगार रहे और कॉरपोरेट पूंजीपति को जो है सस्ते मजदूर, सस्ता स्टाफ का जो है मुहैया हो। सरकार जो है कॉरपोरेट का दलाल है, सरकार पूंजीपतियों के गिरफ्त में चल रहा है, इसलिए यह सरकार जो है डबल इंजन का सरकार बिहार का, यह नौजवान और छात्र और किसान मजदूर के हित में काम नहीं कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत में इस सरकार के इस नीति को हम लोग लागू नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोग सड़क पर हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र यादव है।
और मैं DYFI का जिला का नेता हूँ। चलिए ठीक, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले खबर में। अगर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।